खबर सुल्तानपुर जनपद से, जहां आज दिनांक 14 मार्च दिन रविवार को शहर के कलेक्ट्रेट स्थित अधिवक्ता सभाकक्ष में भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस पत्रकार सम्मान समारोह के साथ ही आज की निष्पक्ष पत्रकारिता परिचय व पत्र वितरण व जयसिंहपुर और कादीपुर तहसील कार्यकारिणी का गठन कराया व कार्यक्रम में अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए प्रतीक चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ में वरिष्ठ संगठन मंत्री राकेश तिवारी ने जयसिंहपुर और कादीपुर तहसील पदाधिकारियों की घोषणा कर नवागत तहसील इकाई का उत्साह वर्धन किया। वहीं केशव प्रसाद मिश्रा ने कहा, पत्रकार स्वयं की गरिमा को ध्यान में रखकर कार्य करें ताकि पत्रकारिता की गरिमा बनी रहे और समाज का कल्याण हो सके। संगठन के प्रांतीय प्रभारी मध्य जोन व प्रतापगढ़ के जिलाध्यक्ष अजय पांडे ने कहा, सभी पत्रकारों को पवित्र भावना से कार्य करना चाहिए। पत्रकार और पुलिस के बीच सुगम मार्ग बनाना चाहिए। सही पत्रकारिता को करने वाले तो सही है, परंतु जो पत्रकार नहीं है उसके बाद भी जो इसकी आड़ लेकर कार्य कर रहे हैं वह वास्तविक पत्रकारिता के लिए घातक है। अधिकारियों को चाहिए कि पत्रकारिता को जिन लोगों ने मुहरा बना रखा है ऐसे दुष्चरित्र लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। साथ ही जनपद प्रतापगढ़ के उपाध्यक्ष अमित मिश्रा व जिला संगठन मंत्री सुनील त्रिपाठी ने सुल्तानपुर संगठन पदाधिकारियों का स्वागत कर कहा कि आपका संगठन पहचान का मोहताज नहीं है। अन्य संगठन के लोग पत्रकार साथियों को गुमराह करते हैं। ब्यूरो चीफ बनना ही बड़ी बात नहीं, उसकी जिम्मेदारी को संभालना ही बड़ी बात होती है। संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अशोक मिश्रा ने कहा, संगठन में व्यवस्था चलाने के लिए अनुशासित होना जरूरी है। मैं संगठन की हर संभव मदद करता रहूंगा। उक्त कार्यक्रम में सैकड़ों पत्रकार व गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर पत्रकार सम्मान कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम का गरिमामय संचालन वरिष्ठ पत्रकार अधिवक्ता जीतन श्रीवास्तव ने किया। सुल्तानपुर जनपद से प्रमोद पांडे की रिपोर्ट।